हाय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज गुलजार। डियर स्टूडेंट्स, हर मकदम है, वेलकम है आपका आज की इस क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, पिछले कई दिनों से हम आपके लिए जेई मेंस 2022 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आज भी हम एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और आई एम डैम श्योर कि आपको मजा आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट होके इधर से इधर आ जाएगा। एंड द क्वेश्चन इज, रुकिए, और क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन पहले आप वीडियो पॉज कीजिए। जो ही क्वेश्चन आपको दिखेगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन जो है किस चैप्टर से लिया गया है या किस टॉपिक से लिया गया है। और क्वेश्चन जो है, दिस इज द क्वेश्चन, देखिए, द कोफिशियंट ऑफ एक्स रेज्ड पावर 20 इन द एक्सप्रेशन 1 + x, 1 + 2x, 1 + 4x, 1 + 8x, सो ऑन 1 + 2 raised power 20x इज, फोर ऑप्शंस आर गिव। अब देखिए, कोशिश कीजिए, चूज कीजिए विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। आप यू ही तुक्का मार के इसका सही सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। पहले आपको देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये जो क्वेश्चन है क्या ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन का है या बाइनोमियल थ्योरम का है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। दिख रहा है ये बाइनोमियल थ्योरम का है, लेकिन ये क्वेश्चन बेसिकली सीक्वेंस एंड सीरीज से लिया गया है। और ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत से जो ख्यालात आपके जहन में आ जाएंगे, बहुत से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो आपके दिमाग में आ जाएंगे कि कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मेरे साथ बने रहिए और देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। आप क्वेश्चन सीख पाएंगे और दूसरा, आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि कैसे हम इस किस्म के क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और बढ़ते हैं आगे विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, पहले ही मैंने बताया ये सीक्वेंस इन सीरीज का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स रेज्ड पावर 20 इन द एक्सप्रेशन 1 + x, 1 + 2x, 1 + 4x, 1 + 8x, 1 + 20 raised power 2 raised power 20x इज। तो पहले आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, शायद मैं ये समझता हूं, या बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या समझा होगा, 20 टर्म्स हैं तो x को x के साथ मल्टीपल करो तो x रेज पावर जो है 20 आ जाएगा। तो जो कोफिशियंट बनेगा वो बनेगा 1 × 2 × 4 × 8 × so on × 2 raised power 20। तो ये आ गया आंसर। फिर इसको सॉल्व किया होगा, 2 raised power 0, 2 raised power 1, 2 raised power 2, 2 raised power 3, so on 2 raised power 20, या फिर फर्दर सिंप्लीफाई करके 0 + 1 + 2 + 3 + so on + 20 किया होगा, वो बन जाता है 2 raised power n × n + 1/2, यानी 20 × 21 = 21/2, 2 × 1 = 10, तो 2 raised power 2 10। वो तो ऑप्शन ही नहीं है। मजे की बात ये है कि इसमें ये मेथड तब अप्लाई होता जब इसमें 20 ब्रैकेट्स होते, और दिख रहा है कि 20 ब्रैकेट्स ही हैं अगर आप गौर से नहीं देखेंगे तो, जबकि इसमें 20 ब्रैकेट्स नहीं है, टोटल ब्रैकेट्स जो हैं, टोटल टर्म्स जो हैं वो 21 है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई किया इसकी टर्म्स जो हैं, इसके ब्रैकेट्स जो हैं वो 21 है, तो आप ये गलत ऑप्शन जो है ये आपके दिमाग में नहीं आएगा। तो अगर आपने देखा कि इसके जो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ ब्रैकेट्स जो हैं वो 21 है, तब काम आसान बन जाता है, तब आप सही ट्रैक पे हैं, तब आप सही रास्ते पे हैं, तब आप सही ऑप्शन चुन सकते हैं। तो 21 ब्रैकेट्स तो हैं ही। अब हम सॉल्व करते हैं इसको कि x रेज पावर 20 का कोफिशियंट कैसे निकालेंगे। पहले अगर हम लिखेंगे 1 + x और 1 + 2x 1 +
4x देन 1 प्लस 8x, 8x सो ऑन, देन फाइनली वी हैव 1 प्लस 2 रेज्ड पावर 20x। अब देखिए, अगर हम सीधे x को इससे मल्टीपल करेंगे एक्स स्क्वायर बनेगा, इससे करेंगे मल्टीपल एक्स क्यूब बनेगा, एक्स फोर बनेगा, और यहां तक जो है वो एक्स रेज्ड पावर 21 बनेगा, वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक्स रेज्ड पावर 20 का कोफिशेंट, यानी हमें इन सबों को 20 टर्म्स जो है इनको एक कोफिशेंट से या एक कांस्टेंट से मल्टीपल करना है। पहले मैं एक काम करता हूं, मैं फर्स्ट ब्रैकेट में से 1 कॉमन निकालता हूं, फिर दूसरे में से 2 कॉमन निकालता हूँ, फिर थर्ड ब्रैकेट में 4 निकालता हूँ, फिर जो चौथे ब्रैकेट में वो 8 निकालता हूँ, ऐसे में सो ऑन करते करते 2 रेज्ड पावर 20 जो है वो कॉमन निकालता हूँ, तो अंदर बच जाता है 1 प्लस एक्स, ओके, इंटू 1 बाई 2 प्लस एक्स, फिर 1 बाई 4 प्लस एक्स, देन 1 बाई 8 प्लस एक्स, देन सो ऑन, देन 1/2 रेज्ड पावर 20 प्लस एक्स। अब देखिए, हमें एक्स रेज्ड पावर 20 का कोफिशियंट यहां पे चाहिए, और हम एक काम करेंगे, यहां ये बच जाता है, हम हर किसी कांस्टेंट को, पहले फर्स्ट को, 1 को, मैं बाकी जो है इसको मैं होल्ड करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा फ्रीज करता हूं पहले ब्रैकेट को, और इसमें से 1 को मैं बाकी जो 20 ब्रैकेट्स हैं उनमें से एक्स के साथ मल्टीपल करता हूं, वो बनेगा एक्स रेज पावर 20, तो बच जाता है एक्स रेज पावर 20 का कोफिशियंट जो है वो 1 आ जाता है। तो हम बिल्कुल हम लिख सकते हैं, ये बनेगा 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर सो ऑन, फिर 2 रेज पावर 20, ओके। लेकिन अब हम 1 को सारे एक्सीज के साथ मल्टीपल करेंगे अपने एक्स को छोड़ के, ठीक है, 1 को इसके साथ मल्टीपल करेंगे, 1 को इसके साथ मल्टीपल करेंगे, 1 को इसके साथ मल्टीपल करेगा बनेगा एक्स क्यूब, 1 को इसके साथ मल्टीपल करेंगे वो बनेगा 1 इंटू एक्स रेज पावर 20, ठीक है। तो हमें क्या बच जाता है, हम अगर इसको पहले 1 के साथ मल्ट सारे एक्सीज यानी 20 एक्सीज को 1 के साथ मल्टीपल करेंगे, ठीक है, तो वो बन जाता है 1। फिर मैं कोफिशियंट की बात करता हूं, आई हैव टू फाइंड आउट द कोफिशियंट ऑफ एक्स रेज पावर 20 ऑनली, फिर 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8, फिर सो ऑन, फिर 1/2 रेज पावर 20, ये है कोफिशियंट ऑफ एक्स रेज पावर 20। अगर ये आपने समझ लिया, इतना आपने समझ लिया, तो आपका काम जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया, वो आसान बन गया आपके लिए सही ऑप्शन चुनना। अब देखिए, ये मैं देखता हूं यहां पे, दिस इज 1, या मैं लिख सकता हूं 2 रेज पावर 0, 2 रेज पावर 1, 2 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 3 एंड सो ऑन, 2 रेज पावर 20। अब ये एक जीपी सीरीज बन जाती है, मैं लिख सकता हूं इसको 1 प्लस 1/2, ओके, प्लस 1/2 स्क्वायर, ओके, प्लस 1/2 क्यूब एंड सो ऑन, 1/2 होल रेज पावर 20। ये एक जीपी सीरीज बन जाती है, और इसका सोल्यूशन जो है, पहले मैं इसको सिंपलीफाई करता हूँ, ये लिखूंगा मैं 2 रेज पावर 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस 20, ओके। ये एक जीपी सीरीज बन जाती है, और इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो है 1, आर जो है 1/2 है, और एन जो है एन बन जाता है 21, देर आर 21 टर्म्स, ओके। ये बनेगा 1 माइनस 1/2 रेज्ड पावर 21, एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव 1 माइनस 1/2। अगर इतना आपने समझ लिया, ऑलमोस्ट 90% ऑफ दिस सॉल्यूशन इज ओवर। अब थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करना है, यू विल बी एबल टू गेट द करेक्ट आंसर। इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूं, पहले मैं इसको कॉपी करूंगा, 2 रेज पावर जो है ये बनेगा हमारा 2 रेज पावर 0, फिर 2 रेज पावर 1, फिर 2 रेज पावर, क्या है ये, 2 रेज पावर 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3
प्लस सो ऑन प्लस 20, ओके। इसके बाद जो है 1 माइनस 1 बाई 2 रेज्ड पावर 21, एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव 1 माइनस 1 बाई 2। जीपी सीरीज का सम हमने यहाँ पे किया है, तो ये बन जाता है 2 रेज्ड पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 20 बन जाता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे ये रह जाता है 1 बाई 1 1 माइनस 1 बाई 2 रेज्ड पावर 21 एंड दिस इज 1 बाई 2। सिंपल है, तो 2 वन्स 2 टेन्स, दिस बिकम्स 2 रेज्ड पावर 210, ओके। इस 1 बाई 2 को मैं उल्टा करके लिख सकता हूँ, पहले मैं लिखूंगा 2 रेज्ड पावर, या मैं लिखूंगा सिंपली 1 माइनस 1 बाई 2 रेज्ड पावर 21 इंटू 2, ये 2 बाई 1 जो 1 बाई 2 डिनोमिनेटर में था, इसको मैंने लिखा 2 बाई 1, ठीक है। तो दिस इज 2 रेज्ड पावर 210, देन वी हैव, क्यों ना इस 2 को मैं इसके साथ मिलाता हूँ, ये बनेगा 2 रेज्ड पावर 211 इंटू 1 माइनस 2 रेज्ड पावर माइनस 21, ओके। मल्टीपल करते हैं इसको थोड़ा सा, 2 रेज्ड पावर 211 इंटू 1 बनेगा 2 रेज्ड पावर 211 माइनस 2 रेज्ड पावर 211 माइनस 21, ये बनेगा 211 माइनस 21, ये है 2 रेज्ड पावर 20, 2 रेज्ड पावर 11 माइनस 2 रेज्ड पावर 20, 211 में से 21 आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, वो बनेगा आई थिंक 190। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन, पहले हम सही आंसर चूज करते हैं, सही आंसर कौन सा है। सो दिस इज द आंसर। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है 2 रेज पावर 211 माइनस 2 रेज पावर 190 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, थोड़ा डिफिकल्ट, लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो हाई है, लेकिन अगर आप सही अप्रोच, सही तरीका अपनाएंगे तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो हाई होना चाहिए, और आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। आने वाले वीडियोज़ में कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।